नामांकन भरने के लिए पहुंचे सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के 9 हल्के से लोग यहां पर पहुंचे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे जजमान हैं। ब्रह्मचारी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ा जा सकता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली हार को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डबल जीत होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है और भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए और करीबन सरकारी विभागों में 2 लाख के पद खाली पड़े हुए हैं और कांग्रेस की सरकार आने के बाद सभी खाली पदों को भरा जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि हरियाणा से गुंडागर्दी को भी खत्म किया जाएगा। आज कोई भी वर्ग हरियाणा में सुरक्षित नहीं है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि हरियाणा में सभी 10 की 10 लोकसभा सीट पर कांग्रेस से जीत हासिल करेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि सोनीपत में मेट्रो लाने का भी कार्य तेज किया जाएगा। हनुमान के रूप में काम करते हैं, हुड्डा साहब के हनुमान कह सकते हैं और मेरे तो जजमान हैं ये सब लोग। मैं सबका दिल की गहराई से जितने लोग सोनीपत लोकसभा के मेरे सम्मानित कांग्रेसजन, कांग्रेस कार्यकर्ता, सम्मानित नागरिक सबका और हरिद्वार से जो 150-200 संत आए हैं आशीर्वाद देने, उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, खास करके प्रेस के भाइयों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। समय समय पर मेरी मदद की और आगे भी करेंगे ऐसा मेरा। बीजेपी आरोप लगा रही कि ब्रह्मचारी ने पहले वोट हरिद्वार से डाली है, यहाँ पे वोट तक नहीं बनी है, अब कौन जानता है उसको। ऐसा है, हिंदुस्तान का नियम है, इंडिया का, वोट एक जगह बनता है और इतना उनको भी ज्ञान होना चाहिए कि लोकसभा प्रत्याशी हिंदुस्तान का, इंडिया का कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ब्रह्मचारी जी तो मेरा तो लोकसभा के ही लोकसभा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा, तो आप क्या मानते हैं कि उसके बाद आपको ये भूपेंद्र हुड्डा की जीत होगी, डबल उन्होंने कहा है। मेरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित नेतागण और यहाँ की जनता, सोनीपत लोकसभा की जनता, हुड्डा साहब ने 3-22 बताया है, ये 3-22 से भी ऊपर जिताने का काम मुझे यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मेरे साथी, यहाँ के विधायकगण, यहाँ के और नेता जो हर आदमी कांग्रेस के साथ है, सब एक तरह से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच क्या कहना चाहोगे? आज आपने नामांकन किया है, क्या कहना चाहोगे? जनता का मुझे अपार स्नेह आशीर्वाद मिला, आपके सामने है। सोनीपत लोकसभा के तकरीबन 9 हलके हैं, 9 के 9 यहाँ विराजमान हैं, 5 के 5 हमारे जो विधायक हैं सब यहाँ पर हैं और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट चौधरी उदय भान जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता के नामांकन में और टिकट देने तक उन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं हमारे सुरेंद्र जी पवार साहब, हमारे इंदुराज भालू जी और गोहाना के विधायक जगवीर मलिक जी, जयवीर वाल्मीकि जी, यात्रा का आपने मैनोफेस्टो आ गया है, आपको मिल जाएगा। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार में 2 लाख रिक्तियां हैं, अभी रिक्त पद हैं, उनको भरने का काम माननीय हमारे कांग्रेस की सरकार में पूरा करेंगे और गुंडागर्दी को ख़त्म करेंगे। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है और आम नागरिक भी परेशान है। और सोनीपत के विकास के लिए अगर मुझे यहाँ की जनता चुन के भेजती है तो एक मजबूत आवाज़ जो सोनीपत की आवाज़ होगी वो पूरे हिंदुस्तान के संसद भवन में गर्जेगी और जो काम होंगे वो जैसे मेट्रो का और अन्य का। बीजेपी लगातार कह रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें फिर जीत रही है, 10 की 10 कांग्रेस जीतने जा रही है। सतपाल ब्रह्मचारी जी का नामांकन किया है और लोगों का रुझान दिख रहा है, 10 बर्तन मिल रहा है
छत्तीस राज्य का उसका आधार कह सकता हूँ बाहरी मुल्कों से ऐसे हुआ है और हरियाणा के लोगों ने छत्तीस राज्य में फैसला कर दिया कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस से। अभी करनाल जा रहे हैं आप क्या? ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।